मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th यूनिट के अंतर्गत पौधों में खनिज पोषण, जैसे कि मनुष्यों के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो उत्पादक हैं पृथ्वी के पौधे, उनको भी खनिज पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वे अपनी वृद्धि और विकास प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी क्यों आवश्यकता है, कौन से तत्व की कितनी आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यक है, इस सब को हम प्रश्नोत्तर विधि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इजी है बच्चों। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि लवण पोषण या खनिज पोषण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु ये अकार्बनिक तत्वों को खनिज लवणों के रूप में मृदा से लेते हैं। अतः पौधों का अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण जो है लवण या खनिज पोषण कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं, लेकिन इन सब क्रियाओं के लिए जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए इनको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसको वो किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी मृदा से प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनिवार्य तथा अन अनिवार्य तत्व से आपका क्या तत्व क्या तात्पर्य है? अनिवार्य यानी एसेंशियल, अन अनिवार्य यानी नॉन एसेंशियल। ऐसे तत्व जो पौधे की उपापचयी क्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं, उनकी कमी के लक्षण पौधे में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। इसके विपरीत, ऐसे तत्व जिनका पौधों की वृद्धि अथवा कार्य प्रणाली में कोई योगदान नहीं होता, अन अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। ये बहुत सिंपल बात हो गई। तीसरा है, लघु मात्रिक पोषक तत्व किसे कहते हैं? माइक्रो एलिमेंट। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि, जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे की सारी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व क्या है, उदाहरण भी दीजिए। दीर्घ मात्रिक यानी जिनकी मात्रा दीर्घ यानी ज्यादा चाहिए रहती है। तो कुछ तत्वों की पौधों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे तत्वों को दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम एवं सल्फर। क्योंकि ये जो जितने एलिमेंट हैं, ये किसमें, जो भी भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारी चीजों में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पौधों की वृद्धि में नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? प्रोटीन संश्लेषण द्वारा के लिए होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही पौधों की वृद्धि होती है। प्रोटीन हर किसी जीवधारी की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, तो पौधों के लिए भी है, इसलिए हमेशा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन है वो एक मुख्य तत्व रहता है। प्रश्न नंबर 6, क्लोरोसिस एवं नेक्रोसिस को स्पष्ट कीजिए। क्लोरोफिल की कमी से पत्तियों का पीला पड़ना क्लोरोसिस कहलाता है, जबकि नेक्रोसिस में पत्तियों के ऊतक स्थायी रूप से नष्ट होने लगते हैं तथा धीरे धीरे पूरी पत्ती गल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विनाइट्रीकरण डिनाइट्रिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मृदा में उपस्थित अमोनियम यौगिक तथा नाइट्रेट के विघटन द्वारा स्वतंत्र आणविक नाइट्रोजन का बनना विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया कुछ विनाइट्रीकरण सूक्ष्म जीवों जैसे बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात टूटने से नाइट्रोजन का स्वतंत्र होना विनाइट्रीकरण कहलाता है।
इसको हम नाइट्रोजन साइकिल में और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके उपयोग लिखिए, या फिर मृदा विहीन संवर्धन को चित्र सहित समझाइए, लाभ व हानि भी लिखिए। अब सबसे पहले हम समझते बच्चों हाइड्रोपोनिक्स क्या है। मृदा विहीन खेती यानी बिना मिट्टी की जो खेती होती है या पादप वृद्धि, उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यदि मिट्टी नहीं है तो सूखे में तो होगा नहीं, तो पानी या एक्वा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक्वा शब्द हाइड्रो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस विधि में पौधे को एक ऐसे खनिज विलयन में उगाया जाता है जिसमें उसकी वृद्धि के लिए सभी आवश्यक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। यदि इरेगुलर रेशो में रहेंगे तो क्या होगा, पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, पानी में कुछ ऐसे खनिज विलयन हैं जो डाल दिए जाते हैं जिससे कि पौधा उसकी सहायता से ग्रो करता है और इसमें मिट्टी नहीं रहती है। इसका लाभ उपयोग क्या है, शहर की बहुमंजिली इमारतों पर जहां भूमि उपलब्ध नहीं होती वहां इस विधि से पौधे उगाए जा सकते हैं। आजकल जो मेट्रो सिटीज वगैरह है वहां पर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें रहती हैं जहां पर मिट्टी नहीं मिल पा रही है, कैरी नहीं हो पा रही आसानी से, तो हम उस खनिज लवण वाले पानी के विलयन में भी क्या कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं। दूसरा, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ रहेंगे और तेजी से प्रजनन करने वाले होते, क्योंकि उनको इजीली सारी चीजें मिल रही है, संघर्ष नहीं करना पड़ रहा उन चीजों के लिए। तीसरा, इस विधि द्वारा पौधे जल्दी तैयार किए जाते हैं। चौथा, यह विधि तत्वों की अनिवार्यता अर्थात किसी विशेष तत्व की पौधों में उपयोगिता अथवा प्रभाव का अध्ययन करने में उपयोगी है। इस पॉइंट को समझो, यदि मान लो हमें मालूम है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसके लिए जरूरी हैं, लेकिन हम उसमें प्रभाव का अध्ययन, तो हम उसमें उस तत्व को या नाइट्रोजन या उस तत्व को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, फिर देखेंगे कि पौधा ग्रो होता है कि नहीं होता। यदि नहीं हो रहा उसका क्या कारण है, इसके बारे में हम पौधे पे अच्छे से आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, अब हानियां क्या है। इस विधि में पौधे की जड़ें विलयन में रहती हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः पौधे की उचित वृद्धि के लिए नली द्वारा समय समय पर क्या देना पड़ती है, ऑक्सीजन देना पड़ती है। दूसरा, पौधे को स्थिर करने में कठिनाई आती है, वो तो फ्लोटिंग मोड में रहेगा क्योंकि मृदा नहीं है, तो उसको स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा, तो उसको स्थिर करने में भी कठिनाई आती है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स का चित्र है, तो एक जार है उसमें हम क्या एक एरेटर के द्वारा क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं जो पौधे को ऑक्सीजन जड़ों को देता है श्वसन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लेते हैं जो पौधे के लिए जरूरी है, और पानी के इसमें एक्वा सॉल्यूशन में इसको रख देते हैं, और इस प्रकार से फिक्स कंडीशन में इसको उगाते हैं तो पौधा उगने लगता है और आगे ग्रोथ करने लगता है। इसका हम प्रैक्टिकल रूप में एक चित्र ये वाला भी देखा है कि इस प्रकार से ऐसे पौधे को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स खेती भी होती है, जहां पर मृदा की कमी रहती है वहां पर इस विधि के द्वारा पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, जल संवर्धन के अध्ययन में खनिज पोषण हेतु जल और पोषक लवणों की शुद्धता जरूरी क्यों है, क्यों है इनकी अशुद्धता हाइड्रोपोनिक्स में। जल संवर्धन के अध्ययन में जल एवं पोषक लवणों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल में अनेक खनिज घुले हो सकते हैं। इसी प्रकार अशुद्ध लवणों में भी अनेक अशुद्धियां हो सकती हैं जो किसी विशेष तत्व की अनिवार्यता का अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अतः जो भी हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जो हम लेते हैं उसमें इन सारे तत्वों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों की अनिवार्यता की कसौटियां क्या है, या तत्वों की अनिवार्यता के क्या मापदंड है। पहला क्या है, तत्व पौधे की सामान्य वृद्धि एवं जनन हेतु आवश्यक होता होना चाहिए। दूसरा, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होना चाहिए तथा किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित ना किया जा सके। तत्व पौधे के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले। माध्यम या मृदा में तत्व की कमी होने पर उसकी अल्पता के कुछ लक्षण पौधे में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी पौधे में एक से ज्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं
तो प्रायोगिक तौर पर आप कैसे पता लगाएंगे कि अपर्याप्त खनिज कौन से हैं? मान लीजिए कोई एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत सारे ऐसे लक्षण हो रहे हैं जो आधा तत्वों की कमी के कारण, उसको कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोपोनिक्स में उन भिन्न तत्वों की न्यूनता वाले संवर्धन गोल में अलग अलग एक एक तत्व की कमी करके पौधे उगाएंगे। अब हमने मान लो अलग अलग उस तत्व की कमी कर दी, एक एक तत्व की, और उसमें पौधे उगाए। अब यदि हम पोषक तत्व की न्यूनता संवर्धन घोल में उस तत्व की कमी को पूरा करेंगे तो पौधा क्या होगा, सामान्य रूप से वृद्धि प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा कैल्शियम के पादप जीवन में एक एक कार्य, इनके कार्य बताना है। नाइट्रोजन का क्या कार्य है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका अदा करता है। फास्फोरस, इसके द्वारा ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। फास्फेट ग्रुप जरूरी है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर के लिए फास्फोरस जरूरी है। पोटेशियम एंजाइमों के लिए सह एंजाइम एवं प्रेरक का कार्य करता है। कैल्शियम कोशिका की भित्ति तथा मध्य पटलिका के निर्माण में यह कैल्शियम पैक्टेट के रूप में कार्य करता है। कोशा भित्ति और जो मध्य की पटलिका रहती है उसके निर्माण में यह कैल्शियम पैक्टेट के रूप में आवश्यक रहता है। तो ये हो गए इनके कार्य इंपॉर्टेंट। अब देखें हम निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों के पादप संबंधी कार्य लिखिए। अभी आ गए माइक्रो एलिमेंट, इसके कार्य बताना। पहला है मैंगनीज। मैंगनीज क्यों आवश्यक है, पर्णहरिण क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। बोरान, जड़ों की वृद्धि के लिए। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जो गुटिकाओं का विकास होता है वो इसी तत्व के कारण होता है। अगर हम कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट, अभी इस समय बहुत आ रहे हैं, चना है, मेथी है, अगर हम उनके रूट्स को देखें तो हम देखेंगे कि उनके रूट्स में ऐसी ग्रंथियां टाइप की पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथिका है इसके निर्माण के लिए भी बोरॉन जो है वो आवश्यक है। कॉपर, यह तत्व श्वसन में काम में आने वाले एंजाइमों का भाग होता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में प्लास्टोसाइनिन वर्णक के निर्माण में भाग लेता है। जिंक, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक। श्वसन से संबंधित कुछ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सक्रियता में इसका विशेष कार्य होता है। अब हम देखते हैं खनिज तत्वों की कमी का एक एक लक्षण। जैसे नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी से पर्णहरिण के निर्माण में बाधा आने से पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों में पीलापन आता है, ये चीज, पत्तियां पीली हुई इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा अच्छे से। दूसरा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन तथा श्वसन क्रिया अगर जब प्रभावित होगी तो वृद्धि पौधे की रुक जाएगी। दूसरा आता है मॉलिब्डेनम की कमी। इससे क्या होगा, नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बाद में नेक्रोसिस हो जाता है। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से पौधे की वृद्धि रुकने से पौधे स्तंभित हो जाते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे ढंग से। जिंक की कमी से पत्तियां विकृत होकर अंतराशीय हरिणहीनता प्रदर्शित करती है, मतलब जो प्लांट की नेचुरल पत्ती है वो वैसी नेचुरल ना होकर के किसी भी शेप में आने लगती है, विकृत हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से पौधों में अंतराशीय हरिणहीनता उत्पन्न होने के कारण ऊतक क्षरण पैदा होता है ना, पौधों के ऊतक भी क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। पोटेशियम की कमी से, इसकी कमी से स्तंभिक वृद्धि होती है, पत्तियां कर्बुरित हरिणहीनता प्रदर्शित करती हैं, इसके अग्रवा किनारों पर ऊतक क्षयी स्थान बनने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसकी कमी से कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कुछ निश्चित पौधों में अपर्याप्तता लक्षण सबसे पहले नवजात भाग में क्यों पैदा होता है, जबकि कुछ अन्य परिपक्व अंगों में? मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो पौधे के न्यू ग्रोइंग पार्ट रहते हैं उसी में ही सबसे पहले लक्षण प्रदर्शित होता है, बाकी के जो मैच्योर्ड पार्ट्स हैं उनमें बाद में होते हैं। तो आंसर है किसी तत्व विशेष की गतिशीलता के कारण निर्धारित होता है कि न्यूनता का लक्षण पहले नवजात भाग में प्रकट हो या परिपक्व भाग में। यदि कोई तत्व अपेक्षित रूप से अचल है तो अपर्याप्तता के लक्षण नवजात या युवा भाग में प्रकट होंगे। गतिमान तत्व के न्यूनता लक्षण परिपक्व या प्रौढ़ भाग में। उदाहरण के लिए सल्फर एवं कैल्शियम की न्यूनता के लक्षण युवा पत्तियों में, जबकि नाइट्रोजन एवं मैग्नीशियम की कमी के लक्षण प्रौढ़ पत्तियों में पहले प्रकट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, खनिज विषाक्तता से क्या समझते हो? सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कैसी मात्रा में होगी? सूक्ष्म मात्रा में, परंतु इनमें मामूली सी कमी भी पौधों में न्यूनता के लक्षण, अल्प वृद्धि या विषाक्तता उत्पन्न करती है। अतः किसी खनिज आयन की सांद्रता जो पौधों के शुष्क भार में 10% की कमी कर दे, क्रांतिक विषाक्तता स्तर कहलाती है। खनिज विषाक्तता की पहचान अत्यंत मुश्किल है। भिन्न भिन्न पौधों में तत्वों की विषाक्तता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। अनेक बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्वों के अधिग्रहण को रोक देती है। जैसे मैग्नीज यदि अधिक हो जाए तो लोहा, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम जल्दी से अवशोषित मृदा से नहीं हो पाएंगे। इससे इन तत्वों की कमी हो जाती है जो हमें मैग्नीजता की विषाक्तता से प्राप्त होते हैं। वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की कमी से होते हैं। पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खनिजों पौधों में खनिजों का अवशोषण जड़ों की कोशिकाओं द्वारा पूरी तरह से होता है। जड़ का जो इलांगेशन जोन रहता है वो सबसे सक्रिय अवशोषक क्षेत्र होता है। यह अवशोषण दो प्रकार से होता है, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, उपापचयी ऊर्जा का बिना उत्पत्ति कोई एनर्जी नहीं लगती इसके अवशोषण में, और उसके द्वारा खनिज अवशोषण किया जाए उसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रवाह, आयन विनिमय सिद्धांत, डोनन संतुलन सिद्धांत के द्वारा हो सकता है। मतलब इसमें हमको एनर्जी यूज प्लांट को नहीं करना पड़ती। अब आता है सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें उपापचयी ऊर्जा का उपयोग करके सांद्रता प्रवणता के विपरीत खनिजों का अवशोषण किया जाता है, उसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। इसके लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? श्वसन से एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर। सक्रिय अवशोषण कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करता है, निष्क्रिय अवशोषण कोशिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता है। इस तरह का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, इसलिए ही ऊर्जा, जब किसी बल के विपरीत कार्य करना हो तो आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी, और इसमें जो होता है अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय अवशोषण की क्रिया ताप, ऑक्सीजन आदि की सांद्रता से प्रभावित होती है, इन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पौधों में खनिज पोषण से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम जल परिवहन के बारे में